चलिए अब देखते हैं देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें हमारे रिपोर्टर्स की जुबानी। कोरोना के बाद अब मंत्री और नेता फील्ड में लगातार सक्रिय हैं। बीकानेर में भी आज मंत्रियों और नेताओं का जमावड़ा रहा। श्री डूंगरगढ़ के कुंतल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी, विधायक गिरधारी महिया, पूर्व विधायक मंगलाराम गोद्वारा मौजूद रहे। डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि शिक्षा से ही विकास संभव है, तो वहीं रामेश्वर डूडी ने भी यही बात दोहराई और कहा कि बेटियों की शिक्षा पर भी फोकस हमें करना चाहिए। बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो कई परिवार इससे लाभान्वित होंगे। इधर मंत्री भंवर सिंह भाटी कोलायत विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि इस गर्मी में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, पेयजल में कोई दिक्कत ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सर्किट हाउस में भी जनसुनवाई की, कुछ लोगों से मुलाकात की। तो वहीं देर शाम अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान बीकानेर पहुँचे। उन्होंने यहाँ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में भाजपा पर प्रहार किया और कहा कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस की कभी ये नीति नहीं रही है। कांग्रेस सिद्धांतों पर विश्वास करती है और सब जानते हैं कि देश में मुद्दे जो हैं इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन जैसे मुद्दे हैं जिन पर भाजपा ध्यान नहीं दे रही है, जबकि धर्म और संप्रदाय और जाति के नाम पर वोट प्राप्त करने की लगातार भाजपा की कोशिश राजस्थान में भी जारी है, लेकिन राजस्थान वीर भूमि है, यहाँ पर भाजपा के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। फूड इंस्पेक्टर विनोद शर्मा पर एसीबी ने कसा शिकंजा। कार्यालय के चतुर श्रेणी कर्मचारी के जरिए मांगी थी रिश्वत, दोनों को एसीबी ने किया ट्रैप। दूध का सैंपल नहीं भरने व 6 माह तक निरीक्षण नहीं करने की एवज में मांगी थी घूस। सिरोही में जालौर एसीबी की टीम ने बड़ा धमाका करते हुए चिकित्सा महकमे के फूड इंस्पेक्टर व एक चतुर श्रेणी कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जालौर एसीबी टीम के निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि जावल कस्बे में स्थित एक दूध डेयरी संचालक को फूड इंस्पेक्टर विनोद शर्मा पिछले कई दिनों से सैंपल भरने की धमकी देते हुए परेशान कर 22,000 रुपए मंथली रिश्वत की मांग कर रहा था, जिससे डेयरी संचालक ने परेशान होकर जालौर एसीबी में इसकी शिकायत की। शिकायत पर एसीबी की टीम ने रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान फूड इंस्पेक्टर ने 22,000 रुपए की मांग की थी, जिसको लेकर आज एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान जब परिवादी रिश्वत की राशि लेकर फूड इंस्पेक्टर के कार्यालय पहुंचा तो फूड इंस्पेक्टर ने उक्त राशि अपने ही अधीनस्थ चतुर श्रेणी कर्मचारी विशाल सिंह को देने की बात कही, जिस पर रिश्वत के 22,000 रुपए चतुर श्रेणी कर्मचारी विशाल सिंह को दे दिए। रिश्वत की राशि 22,000 में से 5,000 रुपए परिवादी को वापस लौटा दिए और शेष 17,000 रुपए चतुर श्रेणी कर्मचारी ने अपने जेब में रख लिए। परिवादी का इशारा मिलते ही एसीबी टीम ने धावा बोलते हुए विशाल सिंह के कब्जे से उक्त 17,000 की रिश्वत राशि जब्त कर हाथ धुलवाए गए। साथ ही फूड इंस्पेक्टर विनोद शर्मा को भी मौके से गिरफ्तार किया है। मौके की कार्रवाई के बाद एसीबी जालौर की टीम घूसखोर फूड इंस्पेक्टर विनोद शर्मा व उसके अधीनस्थ चतुर श्रेणी कर्मचारी विशाल सिंह को सिरोही एसीबी कार्यालय लेके पहुंची, जहां पर आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को जालौर एसीबी की टीम जालौर के लिए लेकर रवाना हो गई है। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों को कल पाली एसीबी न्यायालय में पेश किया जाएगा। भगवान चारभुजानाथ की जो बारात पद यात्रा के साथ में भिलवाड़ा पहुंची, वो 30 किलोमीटर का सफर पूरी तरह शांतिपूर्वक रहा, मगर भिलवाड़ा शहर में प्रवेश करने के साथ ही विवाद शुरू हो गए। पहले जो बारात में शामिल हुए उनकी संख्या और उसके बाद में मार्ग को लेकर पुलिस के साथ में श्रद्धालुओं की तनातनी हो गई। सिद्धिविनायक तिलक नगर रोड पर यहाँ पर पुलिस को जब बहसबाजी और धक्का मुक्की की नौबत आ गई तो पुलिस को आखिर बल प्रयोग करना पड़ा। हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ने के साथ ही जब भगवान ठाकुर जी चारभुजानाथ की बारात आगे की तरफ रवाना की तो एक बार फिर शहीद चौक में आते आते हजारों की संख्या में लोग बारात में शामिल हो गए, जिससे अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। जैसे तैसे बारात बड़े मंदिर तक पहुंची, इस बीच वहां पर विवाद तब हो गया जब अधिकारियों ने लोगों की संख्या और मार्ग को लेकर एक बार फिर वहां पर जब आपत्ति की तो श्रद्धालु और पुलिस प्रशासन आमने सामने हो गए। इस बीच जाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा भी मौके पहुंच गए और विधायक विठल शंकर अवस्थी के साथ ही नगर परिषद सभापति राकेश पाठक और कोटरी प्रधान करण सिंह भी मौके पहुंच गए। यहां पर अधिकारियों के साथ में खासी लंबी बहस हुई। इस बहस के दौरान ही अचानक जो सराफा बाजार है वो बंद हो गया। व्यापारियों ने आक्रोश के चलते सराफा बाजार बंद कर दिया और साथ ही साथ पुराने भिलवाड़ा शहर का जो बाजार है वो भी बंद हो गया। खासी मशक्कत के बाद में करीब 1.5 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। इस बीच खासी धक्का मुक्की और
आक्रोश की स्थिति बन गई थी, बाद में बीच का रास्ता निकाला गया और मार्ग को खोला गया, उसके बाद में शांतिपूर्वक शोभा यात्रा ऋषि संघ आश्रम पहुंची, जहां भगवान चारभुजा नाथ जी ने तुलसी माता के साथ में फेरे लिए। इस शोभा यात्रा के शांतिपूर्व अंत में संपन्न होने के साथ ही पुलिस और प्रशासन ने रात की सांस ली। भरतपुर में रहा आज मंत्रियों का जमावड़ा, 5 मंत्री रहे आज भरतपुर दौरे पर। प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने और जायदा खान ने की कामा में जनसुनवाई, तो वहीं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, मंत्री भजन लाल जाटव, मंत्री सुभाष गर्ग ने एक निजी कार्यक्रम में लिया भाग। भरतपुर के प्रभारी मंत्री रमेश मीणा आज भरतपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कामा में जनसुनवाई के तहत लोगों की जन समस्याएं सुनी। उनके साथ कामा विधायक राज्य मंत्री जायदा खान भी मौजूद रहीं। इस दौरान पानी की समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा दंडवत मंत्री की जनसुनवाई में पहुंचे। वहीं मंत्री विश्वेंद्र सिंह, मंत्री भजन लाल जाटव, मंत्री सुभाष गर्ग ने आज एक स्कूल के निजी कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हम तीनों में कोई मतभेद मनभेद नहीं है, हम सभी एक हैं और हम सभी पहली बार मंत्री बने हैं, हालांकि मैं 1 साल की छुट्टी पर चला गया था। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से जब फर्स्ट इंडिया के द्वारा ये सवाल पूछा गया कि जब सब आप एक हैं तो फिर 1 साल की छुट्टी के दौरान और साथी मंत्री आपके साथ क्यों नहीं गए, तो मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा, यह राजनीति है, इसमें सब कुछ चलता है।